नमस्कार, प्रदेश के नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। नोटबंदी को लेकर जनता की परेशानी कम नहीं हुई और भी बढ़ने वाली है। कांग्रेस का हमला भी सरकार पर जारी है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नोटबंदी को तुगलकी फरमान बताते हुए फैसले को कालेधन वालों के लिए शानदार स्कीम बताया। सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री को काले धन का संरक्षक भी बताया, तो चुनौती देते हुए बीजेपी और आरएसएस के खातों को सार्वजनिक करने की मांग भी की। उधर 24 दिनों के बाद भी परेशानी कम नहीं। बैंकों के बाहर एटीएम के बाहर लंबी कतार अभी भी है। एटीएम कैशलेस है और वहीं बैंक भी कैशलेस ही है। इन तमाम हालात के बीच अब बड़ा सवाल यह है कि 24वें दिन भी हालात क्यों नहीं सुधर रहे और कैसे सुधरेंगे, और विशेष परिस्थितियों में क्यों संवेदनशीलता नहीं दिखाता है प्रशासन। तो नोटबंदी को लेकर हमलावर कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है, सवाल यह भी। इन तमाम सवालों पर आज हम करेंगे बड़ी बहस। नोटबंदी को लेकर जनता की परेशानी कम नहीं हुई है और कांग्रेस का हमला भी सरकार पर जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बार फिर सरकार को सवालों के बीच खड़ा किया। नोटबंदी को तुगलकी फरमान बताते हुए सुरजेवाला ने इस फैसले को काले धन वालों के लिए योजना बताया। देश की तरक्की का पहिया जाम है। 7 नवंबर और 8 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की कलकत्ता इकाई के खाते में, जिसकी एक प्रतिलिपि हम आपको भेज रहे हैं, लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि 500 और 1000 रुपए के नोटों में जमा होती है। पिछले 20 दिनों में 80 लोग काले धन के चलते अलग अलग कारणों से मर गए। क्यों नरेंद्र मोदी जी संसद के अंदर और संसद के बाहर इन 80 परिवारों और उन 125 करोड़ लोगों से माफी नहीं मांग रहे? बैंकों के बाहर लगी इस कतार में कितनों को पैसा मिलेगा ये कहा नहीं जा सकता। शादी वाले घरों की रौनक बिगड़ गई है। लोग कहते हैं बैंक अब 10-10 के सिक्के दे रहा है। 10 बज गए, सुबह 7 बजे 10 बजे गेट खोला, कह रहे सिक्के मिलेंगे। 24,000 रुपए के सिक्के ले लो। कैसे ले ले जी सिक्के? घर में मेरे शादी है, मैं कैसे सिक्के ले लूं? मार्केट में सिक्के चलाते नहीं कोई। आप किसी को पेमेंट देनी 5,000 ही, कैसे दूं सिक्के दे दूं? पुलिस वालों की धमकियां दे रहे यहाँ पे आके, बताओ किससे क्या करें। 1000 के नोटों को वैसे भी जरूरी जगहों से पहले ही बंद किया जा चुका है और अब तो 500 के पुराने नोट भी पेट्रोल पंप के साथ साथ कुछ और जगहों पर मान्य नहीं होंगे। दूसरी बड़ी दिक्कत ये हो सकती है कि 2 दिसंबर की रात से टोल पर भी पैसा देना होगा। ऐसे में खुले पैसों को लेकर परेशानी जरूर बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं, वार पलटवार, उसका जवाब भी मिल रहा है। उन तमाम चीजों के बीच में सबसे अहम बात है कि आम जनता परेशान है और सैलरी आने के बाद भी समस्या बरकरार है या और बढ़ गई। उसमें से जो विकल्प थे पहले ज्यादा, वो विकल्प भी आज रात से कम हो रहे हैं, तो फिर समस्या और बढ़नी तय है। 2 तस्वीरें भी हम आपको प्रदेश की दिखाते हैं। पहली तस्वीर पानीपत की, जहां पैसों की कमी के चलते पत्नी के शव यात्रा में भी पति शामिल नहीं हो पाया। कैश निकलवाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहा और जब कैश लेकर घर पहुंचा तो अंतिम संस्कार हो चुका था। दूसरी तस्वीर पटौदी की, जहां पर बैंक प्रबंधन आउट ऑफ कैश का नोट बैंक के बाहर चस्पा करते हैं और ताला लगाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। बैंक के बाहर पूरे दिन लोग इंतजार करते रहे, लेकिन ना तो वहां पर बैंक कर्मी थे, बैंक प्रबंधक थे, और ना ही वहां पर उनको कोई बताने वाला था कि अब आज यहां पर पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों की समस्या थी। लोग फिर भी ताला देखते हुए भी लगातार वहीं पर कतार लगाकर खड़े रहे। ये 2 तस्वीरें, अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया पति, और दूसरी तस्वीर पटौदी की, जहां आउट ऑफ कैश का यह पोस्टर यहां पर लगा हुआ है, चस्पा करके बैंक कर्मी वहां से गायब हो गए। बहरहाल, सवालों पर भी हम एक नजर डाल लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। 24वें दिन भी हालात क्यों नहीं सुधरे और कैसे सुधर पाएंगे, कैसे भरोसा करें कि हां 50 दिन में बात बन जाएगी, क्योंकि लगभग आधा वक्त तो बीत गया और जो समस्या है जस की तस बनी है। विशेष परिस्थितियों में आखिर क्यों संवेदनशीलता प्रशासन नहीं दिखाता? उस व्यक्ति की पीड़ा जो कि वहां पर कतार में खड़े होकर बार बार बता रहा था, ऐसा नहीं था कि बैंक के अंदर तक वो जानकारी नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को पैसा समय पर नहीं मिला और पत्नी की अंतिम यात्रा में भी और अंतिम संस्कार में भी वो शरीक नहीं हो पाया।
चलिए मेरे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में हम आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त विकास चौधरी साहब, नेता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है विकास चौधरी आपका। मेरे साथ अरविंद भारद्वाज साहब, प्रवक्ता इनेलो के हैं, बहुत स्वागत है भारद्वाज साहब आपका। राजीव जेटली साहब हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है जेटली साहब आपका। और अमित नेहरा साहब हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है अमित नेहरा साहब आपका। सबसे पहले शुरुआत हम कर सकते हैं यहां पर चर्चा, बताइए जेटली साहब क्या इस वक्त की स्थिति है और कितना आकलन आप लोग कर रहे हैं कि जिस स्थिति आप लोगों ने सामान्य करने की दिशा में कदम उठा लिया है। देखिए अतुल जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, समस्याएं बहुत सारी हैं और बहुत सारी समस्याओं के ऊपर चर्चा भी हो रही है। लगभग 20-22 दिनों से आपने देखा होगा केवल इन्हीं बातों के ऊपर चर्चा हो रही है कि कब स्थिति सामान्य होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये कदम उठाया था उस वक्त एक बात और भी रखी थी, उससे भी पहले जब उन्होंने ओथ ली थी, अपनी शपथ ली थी जी, तो एक बात अगर आपको याद हो तो कही थी कि कड़वा घूंट पीने के लिए तैयार हो जाओ। और कड़वा घूंट पीने का अंदाजा जितना सामान्य वर्ग को नजर आ रहा है, जितना सामान्य वर्ग महसूस कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा वो लोग महसूस कर रहे हैं जिसके बारे में अभी फिलहाल चर्चा नहीं हो रही है। वो लोग महसूस कर रहे हैं जो धरनों पर बैठे हैं, प्रदर्शन पर बैठे हैं, जो काले धन के विरोध में के फेवर में अपने नारे लगा रहे हैं, उनको ज्यादा दर्द हो रहा है। खैर वो अलग एक सब्जेक्ट है, लेकिन बात इशू आज ये आ रहा है कि कैसी कैसी परिस्थितियां आ रही हैं। हमने देखा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि एक बुजुर्ग आदमी की पत्नी का देहांत हो गया और वो अपनी पत्नी के शव यात्रा में भी नहीं जा पाया क्योंकि वो लाइन में लगा था, और लाइन में लगे लोग कभी किसी को मौका नहीं दे रहे हैं अपने से आगे जाने के लिए। कई बार हमें सोशल अरेंजमेंट भी करना पड़ता है, दूसरे की भावनाओं को, उनकी दिक्कतों को समझना भी पड़ता है जब देश इतनी बड़ी मुहिम से निकल रहा हो। जब आज वही ऐसा माहौल बना जैसा कभी हमने देखा था सुभाष चंद्र बोस जी के टाइम पर बना था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत हल्का कंट्रीब्यूशन मांगा है और ऐसा कंट्रीब्यूशन मांगा है जिसमें लोगों की दिनचर्या चल रही है बहुत तकलीफ के साथ चल रही है। मैं जेटली साहब ने 47 से तुलना की है और आप बता रहे हैं कि एक खून दो और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि आप ये बात हम कहते हैं कि वहां पे लोग खून देने के लिए भी तैयार थे, पैसा बहुत छोटी बात थी उस वक्त पे, लोग खून देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन ब्लैक मनी जिसकी वजह से आज बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिल रही हैं, यही लाइनें हम 47 से देखते हुए आ रहे हैं। किसी की भी सरकार रही हो, लाइन हमेशा रहती थी, और लाइन किसके लिए रहती थी? केवल अपने हक लेने के लिए, अपना अनाज लेने के लिए, अपनी दाल लेने के लिए, अपनी पेंशन लेने के लिए, अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए लाइनें लगती थी। और अगर उन लाइनों को बंद करना है, खत्म करना है, तो बहुत बड़ा हिस्सा हमारी सरकारी कोष में आना जरूरी था, जो लोगों के बेडरूम में, लोगों के घरों में या लोगों के दूसरे तहखानों में दबे पड़े थे, उसको सरकारी बैंकों तक पहुंचना बहुत जरूरी था। नहीं तो वही बात थी कि एक आदमी अमीर और दूसरा गरीब और ज्यादा गरीब होता हुआ चला जा रहा था। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया, भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों, मंत्रियों, विधायकों से कहा कि अपनी डिटेल ला कर दें। अभी दूसरे किसी पार्टी के सांसद और मंत्रियों से बात नहीं हो रही है, हम उनके ऊपर नहीं जा रहे हैं, उनकी पार्टी का निर्णय है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी ही पार्टी के लोगों से डिटेल मांग ली, तो उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उनकी मंशा क्या है। उनकी मंशा केवल इतनी है कि इस देश से पूरी तरह से काला धन रिमूव करना है, पूरी तरह से उसका खात्मा करना है। हाँ, कुछ चैलेंजेस जरूर आ रहे हैं क्योंकि जनता को थोड़ी तकलीफ हो रही है, और जनता की तकलीफ में, जिसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कने के लिए, बहुत सारे लोग वहां पहुंचते हैं, उनकी तकलीफ बढ़ाने की भी कोशिश करते हैं ताकि किसी तरीके से प्रेशर में आके सरकार उनको वो मौके दे दे जिससे वो अपना काला धन सफेद करने में कामयाब हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, हाँ ये तकलीफ है, हम इससे मना नहीं कर रहे हैं, तकलीफ है और आगे 20-25 दिन और रहने वाली है, और एक हफ्ते के अंदर चीजें बहुत सामान्य भी हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद का जो भारत होगा वो भारत नहीं होगा जो भारत पहले किसी ने कल्पना करी थी, वो भारत नहीं होगा जिसको कभी बदला नहीं जा सकता था, वो भारत भी नहीं होगा जिसकी बुनियाद केवल भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी होती है ना। हमारे देश को इतना अचानक से बदलाव भी समझ में पछता नहीं है ना। ठीक है, बताइए विकास जी, आप बोलिए। 24वां दिन फिर भी हम वही चर्चा कर रहे हैं। राजीव जी तो बहुत अच्छे वक्ता है, ये तो आजादी से हमारा अपना पैसा निकालने को इन्होंने तो आजादी दो खून दो से मिला दिया जा करके। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा इनको, सारी बात ठीक है, सारा देश आपके साथ है, सारे देश ने स्वागत किया, भले ही पॉलिटिकल पार्टियों ने ना भी किया हो,
आम जनता ने आपका स्वागत किया, इस बात से तो हम भी मान रहे हैं कि आम जनता ने आपके स्वागत किया, आपके चैनल के माध्यम से देखा, लोगों ने कहा कि हम इनके साथ हैं, लेकिन किसी के साथ होने का मतलब ये तो नहीं कि आप उसे गले ही काट दोगे। आज हालात ये हैं कि जो लोग इनके काले धन की मुहिम में शामिल होकर के, इन्होंने काला धन लोगों पर कहा, लोगों ने इनकी बात मान करके, जैसे इन्होंने नारे अब ये दे रहे हैं, आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं देश की में बदलाव लाएंगे, उन्हीं बातों को आम आदमी ने माना, क्योंकि हमारे देश का आदमी बहुत इमोशनल है, उनसे जाके बहुत अच्छी मुहिम है, उन्होंने अपना सारा पैसा बैंकों में जमा कर दिया आम आदमी ने। ठीक है, जमा करने के बाद क्या हुआ, उसके पास घर में तो कोई पूंजी रही नहीं, बैंक से पैसा निकल नहीं रहा, सैलरी आ रही है सैलरी भी नहीं निकल पा रही है, बैंक जा रहा है 20,000 का चेक लगा रहा है, कह रहे 3 दिन बाद आना, 3 दिन बाद जा रहा है टोकन लेने के बाद तो 5,000 निकल रहे हैं। लेकिन ये देखिए, जो मूलभूत सुविधाएं जो इंसान लेता है, दूध वाला नगद पैसे मांगता है, सफाई वाला जो आता है आपके घर में झाड़ू करकट करने वाला वो नगद पैसे मांगता है, जो अखबार वाला है वो नगद पैसे मांगता है, केबल वाला नगद पैसे मांगता है, वो उन सुविधाओं की जो जिनका उसका हक बनता है वो मेहनत कर रहा है दिन भर, पता नहीं कैसे कैसे हमारे पुरखों ने व्यापार करा, नौकरी करी, पैसा कमाया, आज उन्होंने वो बैंक में डाल दिया, वो अपने पैसे को भी नहीं ले पा रहा है। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने कह दिया बहुत बड़ा कदम है, साहसिक कदम है, अरे जनता आपके साथ है, लेकिन आप जनता को क्या दे रहे हैं, 50 दिन कर करके जान लेंगे, 80 लोग तो मर चुके हैं। आप बताइए, कल की घटना आपके में पड़ी होगी कि बहादुरगढ़ का एक लड़का ड्राइवर लग रहा है, उस पर अधिकारी ब्लैक वो नोट कन्वर्ट करने के लिए उसके 3 बार तलाशी लेते हैं, वो हार्ट अटैक से मर जाता है, अपना अपमान हो जाता है उसका कि 3 बार उसको कपड़े उतार के तलाशी ली जाती है लेकिन पैसा नहीं मिलता। उसके बाद हरियाणा रोड के सारे लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं लोग कितने परेशान हैं। ये जुमले और ये बातें ही तो भाजपा करते आई है आज तक, 2.5 साल में हुआ क्या है। हम तो ये एक बात कहते हैं कि अगर ये इतने अच्छे लोग हैं, मैं समझ रहा हूँ, इतनी मेहनत से कांग्रेस ने खड़ा किया था देश, इन्होंने आके भट्ठा बिठा दिया 2.5 साल में। अतुल जी, मेरे जो बीजेपी के साथी प्रवक्ता हैं उन्होंने एक बात कही कि आज़ादी के वक्त से ही उसके बाद आज तक लाइनें लगी रहीं, लोगों ने अपने अधिकार मांगने के लिए लाइनें लगाई, परंतु उन्हें मिटाना हम चाहते हैं, परंतु उन लाइनों को हटाने के लिए आपने एक और लंबी लाइन लगवा दी। दूसरी बात, अब मैं हम आते हैं कि ये साहब मोदी जी ने ये फैसला क्यों लिया, इसके पीछे 2 मुख्य वजह बताई, एक तो थी फेक करेंसी, जो जाली हमारे देश में करेंसी है ये उसे खत्म करना चाहते थे, पर क्या वो खत्म हुई, क्योंकि देखने में ये आया कि जो 2000 का नया नोट है वो पब्लिक पर बाद में पहुंचा, पब्लिक के पास बाद में पहुंचा, उसकी जो फेक करेंसी थी, जाली करेंसी थी, वो जल्दी इस देश के अंदर आ गई, उससे पहले वो करेंसी जाली इस देश के लोगों को के पास आ गई, टीवी चैनलों ने कितनी जगह ये दिखाया कि फेक करेंसी पकड़ी गई है। तो आपका जो एक ये जो रीजन था, आपने कहा फेक करेंसी खत्म करना चाहते हैं, ये तो पूरी तरह से निराधार रहा, ये जीरो रहा। ठीक है, दूसरी बात आपने कहा भ्रष्टाचारियों पर, जो जिन्होंने काला धन जमा किया उनके ऊपर एक चोट करना चाहते हैं, उस पैसे को लाना चाहते हैं ताकि वो जनता के काम में आ सके। आप एक बात बताइए, आज इतने सैकड़ों उदाहरण है, एक ये उदाहरण ये जो ट्रांसपोर्ट विभाग का है कि जिस कर्मचारी को के हार्ट अटैक में मौत हो गई, यही नहीं, आप कहीं भी जाइए कैश काउंटर्स पे, जो ये बिग बाजार और इस तरह की जो चल रहे हैं इनमें आप कहीं भी चले जाइए, आज नोएडा या गाजियाबाद के पास की घटना थी, एक टीवी पर मैं देख रहा था, वहां 2000 आप कार्ड स्वैप कराइए और 2000 का नोट वो आपको देते हैं और 2200 काट लेते हैं, इस तरह का धंधा चल रहा है। यहां तक कि बैंकों में, हमारे अपने फरीदाबाद में एक सर्व हरियाणा कोऑपरेटिव बैंक है, वहां पर जो मैनेजर है उन लोगों ने आरोप लगाया जो वहां अपने पैसे लेने गए कि मैनेजर लोगों से मिली भगत करके सुबह सिर्फ आधा घंटा कैश बांटता, उसके बाद कहता है कैश खत्म और बाकी पैसे वो कुछ फालतू कीमत लेकर उन्हें ट्रांसफर कर देते हैं, बदल देते हैं। मतलब पहली बार इस देश में, आजाद हिंदुस्तान में, हमने ये भी देखा कि हमारी अपनी करेंसी बिक रही है, मतलब पैसा भी बिक रहा है, कहीं 2200 में, कहीं 2500 में, मतलब पैसे को बिकते हुए तो शायद हिंदुस्तान के लोगों ने पहली बार देखा होगा। फिर आप जो ये कहते हैं कि हम ये जो पैसा फेक जो करेंसी आ रही थी या हमारा जो पैसा था वो आतंकवाद पे काम आ रहा था, हमारे देश के जो दुश्मन है उनके काम आ रहा था, हमारे खिलाफ उसे यूज कर रहे थे, उसमें भी कहीं कोई फायदा नजर नहीं आया, बल्कि देखने में आया आतंकवादी घटना बढ़ी, हमारे देश के सैनिक 8 तारीख से बाद के बाद देखने में आया सैनिकों की जो शहादत है वो ज्यादा हुई। तो सरकार करना क्या चाहती थी और क्या पत्थरबाजी नहीं रुकी वहां पर, इसके विपरीत पत्थरबाजी नहीं रुकी। अतुल जी एक मिनट, मैं आता हूं उसी बात पे, इसके विपरीत
बढ़ी क्या है, ये सब चीजें तो हो गई खत्म, अब बढ़ा क्या, बढ़ा क्या है, जनता की समस्याएं, जनता की तकलीफ है, एक आम आदमी को मजबूर कर दिया। अब हालत ये है कि एक दिन में अगर लाइन लगने से भी पैसा मिलता हो तो भी समझ में आता है, ठीक है साहब एक दिन हम लाइन में लगे, एक दिन हमने दिया देश के नाम, अगर कुछ अच्छा होता हो, देश का भला होता हो, परंतु उस एक दिन से भी बात नहीं बन रही। साहब लोग ऐसे हैं जो कई दिन से लगातार लाइनों में लगे हुए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति को आपने बुलाया था जो अपनी बहन का शादी का कार्ड लेकर आया था, आपने ही प्रोग्राम किया, तुल जी आप भी थे, क्या मेरे साथी ये बता सकते हैं उस दिन भी ये कहा गया था, क्या उसे वो कैश दिलवाया साहब ने, वो कार्ड भी देके गया था। जेटली साहब जाने वाले हैं उस शादी में, ये चले गए, ये अतुल जी ये जो समस्या है उस एक व्यक्ति की नहीं, हर व्यक्ति की है, पूछ लेते हैं हर व्यक्ति की, बताइए जेटली साहब हो गई। मैंने उस दिन आपके चैनल के ऊपर उस बच्चे को बोला था कि आप मेरे पास जरूर आइएगा, और इसी तरीके से बैंक मैनेजर ने भी बोला था कि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर जरूर आइएगा, मेरे पास भी नहीं आया, वो बैंक के पास गया या नहीं गया वो मुझे नहीं पता, खैर वो ये चर्चा का विषय नहीं है, तो बेकार की हम कहानियां करते रहे, मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है, छोटा सा कमेंट, मुद्दा यहाँ पर ये आ रहा है कि कितनी तकलीफ हो रही है जनता को लाइन में लगे हुए देखकर हमारे राजनीतिक दलों को। 0.5% इस देश की जनता कुपोषण से मर जाती है, आज तक इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, लोग बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े होकर, मैं रेलवे टिकट की लाइनों में आपको बता रहा हूं, लोग खड़े होकर मर गए हैं, खड़े खड़े हार्ट अटैक से मर गए, किसी ने उसके ऊपर चर्चा नहीं करी। बात यहां पर ही आ रही है, वो माता है कि पहले से कई तरह की लाइनें थी, आपने बहुत सारी नई लाइन खड़ी कर दी, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोग हॉस्पिटल के बाहर अपनी जान दे देते हैं, और क्यों दे देते हैं इस बारे में चर्चा नहीं हो रही है, वो क्यों दे देते हैं इस बारे में चर्चा होनी चाहिए, वो इसलिए दे देते हैं क्योंकि बाकी के राजनेता जिनके पास 100 एकड़ जमीन थी, आज वो 20-20 हजार लाख लाख करोड़ के मालिक हो गए, ना उनकी कोई फैक्ट्री ना कोई उनकी दुकान, वो कौन सा ऐसा काम करते थे जिससे वो इतने अमीर होकर जनता गरीब होती चली गई। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही बात कही कि जो जनता का, जो चाहे कोई भी नेता हो, ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी व्यक्ति हो जो काला धन रखेगा उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। आपकी मर्जी ठीक है, बस एक करके राजनीतिक टिप्पणी हो गई, अब तो दूसरी तरफ जाता हूं, ठीक आऊंगा आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा जी भी हो और चंद्रभूषण अरोड़ा साहब भी हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक भी जुड़ चुके हैं, दोनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत। सबसे पहले चंद्रभूषण जी मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर अमित सर आपके पास आऊंगा। चंद्रभूषण जी बताइए, राजनीतिक तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, लेकिन अभी तक आपका क्या आकलन रहा है, जो परिस्थितियां 24वें दिन है और जो विकल्प आज रात से कुछ और कम हो जाने वाले हैं, पेट्रोल की बात करें, पंपों की बात करें, या फिर हवाई अड्डों की बात करें, या कल से टोल का भी जो है शुरुआत हो जाएगी आज रात से, इसके बाद किस तरीके की स्थिति और बनने वाली है, क्योंकि कैश तो नहीं है ये सर्व सच है। हेलो सर, क्वेश्चन रिपीट करेंगे। चंद्रभूषण जी मेरा सवाल ये था कि आप चूंकि आर्थिक विशेषज्ञ हैं तो मुझे ये जानना था कि अभी जो स्थिति है 24वां दिन और उसमें आज रात से कुछ विकल्प और भी कम हो जाने वाले, कैश है नहीं तो क्या परिस्थिति बनने वाली है। देखिए इससे परिस्थिति थोड़ा सा जो है वो बेसिकली उससे सुधरेगी ही, बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि अभी हो क्या रहा था, रिसेंटली पेट्रोल पंप पे भी जो पैसा लिया जा रहा था वो भी उसको कन्वर्ट करके दे रहे थे परसेंटेज में, वो लोग भी अपने जैसे 100 रुपए आते हैं तो उसको रख लेते हैं और 500 का तेल डलवाइए उतना ही दे रहे थे, ठीक है, तो उससे वो लोग भी इस चीज को मैनिपुलेट कर रहे थे, मेडिकल स्टोर भी मैनिपुलेट कर रहा है, सारे ही इस तरह से उसको मैनिपुलेशन में लग गए थे। तो आज अगर ये बंद हो रहा है तो उससे आने वाली सिचुएशन और सुधरेगी, सिर्फ ये है कि बैंकों पे जोर पड़ेगा, तो बैंक कर्मचारी इस टाइम बहुत काम कर रहे हैं, और बैंकों का ये है कि अगर थोड़ा सा एटीएम के ऊपर सरकार ध्यान दे तो ये आने वाली सिचुएशन और जल्दी सुधर सकती है। पर जिस तरह से आज पेट्रोल पंप बंद किए गए हैं वो बहुत अच्छा स्टेप है, जैसे 15 तारीख को होना था वो आज ही हो गया, उससे कम से कम ये है कि जो ब्लैक मार्केटिंग जो चल रही थी इस टाइम वो बंद हो जाएगी, क्योंकि सर अभी सर कैश नहीं है, कैश बहुत कम है, तो कैश की किल्लत कैसे दूर होगी, सैलरी आ गई खाते में पड़ी हुई है, निकाल नहीं पा रहे हैं, विकास जी को अपने पेमेंट करना है, बता रहे थे कि जो है दूध वाला भी मांग रहा है इनसे पैसा, कई दिन से दूध नहीं पी पा रहे बेचारे, वो दिक्कत कैसे दूर होगी। अभी तक भी कोई सर कुल
कुछ बैंकों को लेके हैं, कुछ बैंक के जो मैनेजर्स हैं वो ही ऐसी मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, अदरवाइज मोस्टली आप बैंकों में जाएं तो वो उस चीज को कभी मना नहीं कर रहे, जितना पैसा आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बल्कि अपनी तरफ से। देखिए एक अहम बात यहाँ पर यह है, चंद्रभूषण जाऊंगा मैं आपके पास, एक अहम बात आपने कही कि एक तरफ तो अच्छी मंशा की हो सकती है कि योजना हो, लेकिन हमारे देश में ही वो तमाम लोग हैं जो कि पैसा बेच भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं, यानी अब नीयत की बात आती है, तो सरकार को अब नीयत पर भी लगाम लगानी पड़ेगी, इसके लिए भी मॉनिटरिंग सेल बनाना पड़ेगा, और ये काम सरकार को ही करना पड़ेगा क्योंकि कदम आपने उठाया है। बताइए अमित नेहा सर, आप बताइए। देखिए अतुल, कबीर जी ने एक दोहा लिखा था बहुत साल पहले कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आए हासी, जिसका अर्थ ये है कि पानी में रह के भी मछली प्यासी है और मुझे ये देख के हंसी आ रही है। तो आज पूरे भारत की स्थिति उस मछली की तरह है, लोगों के पास पैसा है भी और नहीं भी। नहीं भी है, आपके बैंक में पैसा है लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं है। ठीक है, और देखिए बात यह है कि पत्रकारिता का एक धर्म है, वो ना तो किसी दल का या सरकार का समर्थन करे या विरोध करे, उसको जो वस्तु स्थिति है वो सामने लानी चाहिए। बिल्कुल, तो वही बात है, देखिए आपका कैमरा काम कर रहा है 9 नवंबर से, बैंकों की लाइनें कम नहीं हुई हैं? हाँ कम वहां पे हुई हैं जहाँ पे कैश नहीं है, वहां तो लाइनें है नहीं, तो उसमें कर भी क्या सकते हैं। देखिए अभी जो पानीपत का आपने दिखाया वो मानवता को शर्मसार करने वाला एक दृश्य है। देखिए एक पत्नी की मौत है, पति उस सदमे से उभरा नहीं है, लाइन में खड़ा है और उसको जब पैसे मिलते हैं तो उसका दाह संस्कार तक हो जाता है, तो इससे बड़ी शर्मसार करने वाली। चलिए कुछ तकनीकी खामी आ गई, नीरज साहब अपनी बात पूरी नहीं कर पाए, बताइए फिर से लौट के आ रहा हूं आप लोगों के पास। जो सवाल है कि जो एक तरफ तो आपका जो फैसला था मान भी रहे हैं लोग, स्वीकार भी कर रहे हैं लोग, तकलीफ भी झेल रहे हैं लोग, जेटली साहब सवाल इस बात का कि अब यहां पर उसको कैसे लागू कराया जाए। कैश की किल्लत तो है, आप 3 शिफ्टों में छपा रहे हैं, आएगा पता नहीं कब आएगा नहीं मालूम, लेकिन जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो आधार बन रही हैं आपके लिए राजनीतिक तौर पर भी, आपके खिलाफत के लिए जिस तरीके की घटना घटित हो रही है वहां पर, चाहे बैंक कर्मियों की गड़बड़ी हो, मिलीभगत की बात हो या फिर तमाम तरह की चीजें, इनकी मॉनिटरिंग में भी आप लोग कमजोर रह गए। देखिए अतुल जी, एक बड़ी मॉनिटरिंग जिस बात की करनी थी, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सारी हर छोटी छोटी बात के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि तकलीफ है, इस बात से तो हम भी पीछे नहीं हट रहे हैं, तकलीफ है और इस तकलीफ के बारे में चर्चा भी हो चुकी है और तकलीफ को हम बताकर इस कदम को भी उठा चुके हैं। बात यहाँ पर ये आ रही है कि उन तकलीफों को दूर करने के लिए बहुत सारे स्टेप, अभी आपने देखा होगा एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हमने यूज करे हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो कैश है वो सभी जोन के अंदर पहुंच जाए, हर जोन के अंदर जाएगा तो वहां से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आसान होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि 17,000 लाख करोड़ की करेंसी को रिप्लेस करना था और 17,000 लाख करोड़ की करेंसी को तब रिप्लेस करना था जब किसी को इंफॉर्मेशन भी नहीं देनी थी, और जब इंफॉर्मेशन नहीं देनी थी तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप इतनी बड़ी करेंसी, मान लीजिए 17,00,000 करोड़ रुपए छाप कर पहले से बैठते हैं तो उसके बारे में जो चर्चाएं होंगी या मार्केट में उसकी न्यूज जाएगी तो कितनी बड़ी मार्केटिंग जो है वो आम जनता जो है बेचारे जिसको 5,000-2,000 रुपए दिन के कमाने हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन असल में जिनका धंधा ही काला होता है वो पहले काले धंधे वाले पहले इन चीजों की तरफ अपनी नजर रखते हैं कि कहां पे सरकार ने कौन सा कदम उठाया और उसका क्या रिटेलिएशन होने वाला है, तो उसकी जो तैयारी होती है उन्हें करने के मौके भी मिल जाते हैं। लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि जो जनता को तकलीफ हो रही है उस जनता की तकलीफ को भी प्रशासनिक तौर पर हमें देखना जरूरी है कि जो ऐसे जैसे आज एक हादसा घटा, एक सोशल समस्या भी थी साथ में, क्योंकि लाइन में लगे हर व्यक्ति के बारे में हम नहीं जान सकते कि कौन व्यक्ति किस मंशा से कितनी जरूरतमंद है, किस वजह से वो लाइन में लगा है। अगर वो अपने आस पड़ोस में लोगों को बताता, जैसा कि आपके टीवी चैनल पर ही देखा कि उसने बताया और जब बताया तो लोगों ने कॉपरेट भी किया उनके साथ, बैंक ने भी कॉपरेट किया, लेकिन एक जब क्यू लगती है, चाहे बस के लिए क्यू लगती है, चाहे लाइन सिलेंडर के लिए क्यू लगती है, तो आप उसमें लाइन में लगे व्यक्तियों के हर किसी से ये नहीं पूछ सकते हैं कि आप किस लिए यहाँ पर सिलेंडर लेने के लिए आए हैं, आपके घर में क्या ओकेशन है, अच्छा ओकेशन है, बुरा ओकेशन है, क्या मजबूरी है आपकी, क्योंकि क्यू का मतलब ही ये होता है कि हर किसी को लाइन में लगना, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात केवल इतनी है, भविष्य का बच्चा इन
छोटी छोटी या बड़ी दिक्कतें भी कह सकता हूं मैं, इन दिक्कतों से बड़ी दिक्कत में ना चला जाए, यह सुनिश्चित करा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है केवल 30 दिसंबर तक का वक्त चाहिए। हाँ। लेकिन 30 दिसंबर से पहले के अंग्रेजी का शब्द होता है इंप्लीकेशन, मतलब जले पे नमक छिड़कना। आप कितना भी छिड़किए, ये देश की जनता अब उतनी बेवकूफ नहीं है जैसे नेता उनको पहले घुमा देते थे। इतनी समझदार हो चुकी है कि वो अब बोलना नहीं चाहती है। जब कोई उनको तकलीफ दे भी रहा है, बता रहा है उनकी तकलीफ को, वो उसको समझ भी रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है ये 30 दिसंबर के बाद का जो माहौल होगा वो मेरे लिए होगा, वो उनके लिए नहीं होगा। चलिए देखेंगे, बहुत ज्यादा दिन नहीं है, बहुत ज्यादा दिन नहीं है 30 दिसंबर। ठीक है, नेहरा साहब जुड़ चुके हैं। नेहरा साहब आऊंगा सर, विकास जी आऊंगा। नेहरा साहब अपनी बात पूरी करें। हाँ देखिए, तो मैं कह रहा था कि मोदी जी ने, भारत सरकार ने एक निवेदन किया था देश की जनता के सामने कि आप 50 दिन तक धैर्य रखिए, आप थोड़ा सा सह लीजिए परेशानियां, उसके बाद स्थितियां बिल्कुल सामान्य होंगी और अच्छी होंगी। देखिए जनता अपने उस पर अड़ी है, वो धैर्य रखे हुए है, कहीं पे कोई आंदोलन नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि सरकार से धैर्य नहीं हुआ, 21वें दिन अपना फैसला पलट देती है सरकार मोदी जी। भ्रष्टाचारियों को एक सेफ पैसेज दे दिया जाता है कि 50% में अपना धन वाइट कराओ, तो ये पैसेज क्यों दिया गया? आज तक इसका सवाल नहीं आया है, हालांकि विपक्षी दलों को ये सवाल करना चाहिए, लेकिन पत्रकारिता का ये धर्म है कि जो जन समस्या है उसको उजागर करना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है कि विपक्षियों के भी पैसे फंसे होंगे क्योंकि उन्होंने विरोध नहीं किया। और जैसे बीजेपी के प्रवक्ता जेटली जी कह रहे हैं कि कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने दिनों दिनों में बिना किसी व्यापार किए इतने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। तो देखिए जब सरकार को पता है कि किसने बिना काम किए इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया, तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार? तो उसमें क्या है कि सर्जिकल स्ट्राइक जी उन पे कार्रवाई करे, आम आदमी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि देश की जनता ये जानना चाहती कि सेफ पैसेज की आवश्यकता क्यों पड़ी। और दूसरी बात देखिए, आपने अगर टाइम दे दिया है 15 दिसंबर तक पेट्रोल पंप पे आप भरवा सकते हैं, और बीच में उसको रोकने की इतनी भी क्या जल्दी पड़ी थी? और देखिए जो जाली करेंसी है वो पहले ही मार्केट में आ गई है, दावे ये किए जा रहे थे कि फुल प्रूफ करेंसी है, तो प्रश्न बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या है कि अगर बहुत ज्यादा हम प्रश्न करेंगे तो एक तरह से हम सरकार विरोधी कहलाएंगे और ये कहेंगे हम समाज के हित में नहीं सोच रहे हैं। लेकिन क्या है कि इस योजना से सरकार विरोधी नहीं, देश विरोधी भी कहला सकते हैं पाएगा। जिस तरह से सफाई जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे ही सरकार ने गद्दी संभाली थी मोदी सरकार ने, तो एक अभियान इन्होंने चलाया था बड़े जोर शोर से, एक भावनात्मक रूप से देश को एक भावनात्मक रूप से देश को किया था इन्होंने, थोड़ा सा भावनाओं में बहाया था कि सफाई अभियान, स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ इंडिया, स्वच्छ भारत। उसके चलते इन्होंने क्या किया कि एक सेस लगा दिया, सफाई सेस। लेकिन 2.5 साल होने को है, कितना भारत साफ हुआ है और कितना टैक्स लोगों की जेब से चला गया? वो जब पूरा नहीं हुआ एक नई योजना लेके आ गए, ये जब फेल होगी एक और नई योजना आ जाएगी। चलिए यानी तो योजनाओं का इनके पास एक लंबा चौड़ा जखीरा है, एक एक करके लाते रहेंगे, लेकिन उसका असर कितना हो रहा है सवाल इस बात का है। बहुत संक्षेप में राजू जेटली साहब इसका जवाब देंगे, ब्रेक लेना है मुझे। चाहता हूं नेहरा साहब, इस हरियाणा प्रदेश के बहुत ही पारखी पत्रकार हैं। पारखी पत्रकार वो होते हैं जो आर्टिकल लिखते हैं, जो छाया लिखते हैं उसकी, जो फ्रंट नहीं छापते हैं। नेहरा साहब आपने बोला कि सरकार ने 50% के ऊपर जो है काला धन सफेद करने की बात करी, इस बात को आप थोड़ा सा कंप्लीट करते तो और समझ में आती। वो बैंक के अंदर लेना है, वो सरकारी खजाने में लेना है, और जो दूसरा रास्ता था, आप क्योंकि इतना नॉलेज इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं, एक ही रास्ता इस देश के पास बचता था जिससे काला धन इस देश में रूट होता था, वो था मॉरिशियस। और मॉरिशियस के ऊपर भी किसी भी सरकार ने कदम नहीं उठाया। हमारी सरकार ने आते ही मॉरिशियस के साथ जो संबंध थे, जिन चैनल के माध्यम से वो काला धन इस देश में आता था रोटेट होकर, वो सारे रास्ते बंद कर दिए। तो मैं नेहरा साहब आपसे इतना सा हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि कम से कम वो वाली बातें जो है पीछे वाली छाया ना रखें, वो उजागर करनी आप। ठीक है नेहरा साहब, आऊंगा सर, आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। या ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक उस पर लौटेंगे तो विकास जी को भी बोलना है और बाकी मेहमान भी बोलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं। We'll be right back.
चलिए ब्रेक से हम आगे बढ़ते हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रभूषण जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके पहले अमित नेहरा जी बहुत संक्षेप में जेटली साहब का कुछ जवाब देंगे आप। देखिए अतुल, एक बात कही जेटली साहब ने कि काला धन हमें वापस लेके आना था, तो देखिए ये काला धन ऐसे नहीं वापस आता। एक अर्थशास्त्र का नियम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है। मान लीजिए देखिए 14 लाख करोड़ रुपए की करेंसी छापनी थी, तो वो तो छपनी छपनी है, चाहे ये 50% वाली योजना आए या ना आए। आप मेरी बात समझे, 14 लाख करोड़ की करेंसी बैंकों ने जो उतार रखी थी उतनी ही करेंसी इनको नहीं छापनी थी 500 और 1000 के नोटों के बदले। लेकिन क्या है कि जब उसका कोई क्लेमेंट नहीं होगा, मान लिया बैंकों में 11 लाख करोड़ रुपए की करेंसी इकट्ठी हुई, 3 लाख करोड़ रुपए की करेंसी जो नई छपी बची है, छपी है वो बच गई अगर बैंकों के पास, तो सरकार का पैसा है वो एक तरह से क्या है कि वो 3 लाख करोड़ का जो काला धन है वो सरकार के पास आ गया ऑटोमेटिकली। लेकिन क्या है कि जब जो ये छूट दी गई है 500 और 1000 रुपए के नोट ये वापस जमा कराने की, तो इसका मतलब ये नहीं कि 500 के और 1000 रुपए के नोट वो प्रचलन में आएंगे, वो सरकार को उनको अल्टीमेटली नष्ट करना है और उनके मुकाबले में वो दूसरी मुद्रा उतारनी है। तो ये कहना एक गलत फहमी है और दर्शकों के साथ धोखा है कि हम इनको वापस बुला के और इससे खजाना भर लेंगे। वो जितनी मुद्रा छपेगी वो छपनी है, चाहे ये योजना आनी थी या ना आनी थी। और रही बात क्या है कि जो असली हकीकत ये है कि योजना क्यों लाई गई, असली योजना क्यों लेके आई सरकार, वो ये था कि सरकार के बिना ही 70-30 का रेट सार्वजनिक था। हर जगह से ये आ रही थी कि वहां पे नए नोटों में कन्वर्ट किए जा रहे हैं कमीशन ले लेके, जो अपने बाकी पार्टियों ने कहा, हमारे यहाँ प्रवक्ता हैं, तो खुलेआम हो रहा था। तो सरकार ने ये सोचा कि जब 70-30 का है तो आप 50-50 का गेम क्यों नहीं कर लेते, तो बीच में करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और काला धन अपने आप आ जाता। जो जितने नोट बैंकों में नहीं पहुंचते उनकी एवज में जो नए नोट छपते वो ठीक है। मैं रोकूंगा सर, मेरा सब रोकूंगा, वक्त बहुत कम हो जाता है हमारे पास जो है। चंद्रभूषण साहब कुछ आप कहना चाह रहे थे, चूंकि आप आर्थिक विशेषज्ञ, उसके बाद आऊंगा विकास जी और अरविंद जी आपके पास। आपने कहा चंद्रभूषण जी कि कल से जो विकल्प कम होंगे उसके बाद स्थिति सुधर जाएगी। कैसे सुधर जाएगी सर, कैश है नहीं, कैश अभी सप्लाई में आ नहीं पा रहा है, जो आ रहा है वो कहीं कहीं इधर उधर से चला जा रहा है, मॉनिटरिंग हो नहीं पा रही है, समस्या तो बढ़ने वाली है। आपको कैसे लगता है कि समस्या खत्म हो जाएगी? देखिए समस्या तो ये खत्म अभी नहीं होगी, जो 50 दिन का टाइम है ये उसके बाद भी चलेगी, क्योंकि जो पैसा आपका अकाउंट में पहुंच गया है अभी, जैसे कि जेटली जी भी कह रहे हैं कि भी इससे करप्शन खत्म हो जाएगा, आप मेरे को ये बता दीजिए कि कैसे इस चीजों से कोई करप्शन खत्म नहीं होना, क्योंकि ये सारा जो है इनकम टैक्स ने जो डिपार्टमेंट है इसको निगरानी कर रहा है और अभी तक भी कोई निगरानी के अंडर कोई लेटर इश्यू नहीं हुए, कोई अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ। अगर मान लो हो भी गया तो क्या इंस्पेक्टर राज इससे खत्म हो जाएगा? वहां पे जाके आपको जो अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या जो आपको वहां चक्कर काटने पड़ेंगे, जो हरासमेंट होगी वो कहां पे आप उसको मैनेज करेंगे? आपने आज तक कोई एंटी करप्शन बिल नहीं लाए कि भी आप उसके अगेंस्ट कोई ऐसा कुछ कदम उठाएं कि भी जो करप्शन इंस्पेक्टर राज खत्म हो जाए। आप जब तक उसको नहीं खत्म करेंगे तो ये करप्शन, यानी समस्या भी है और जो मंशा थी वो मंशा भी अब सवालों के घेरे में। ठीक है चंद्रभूषण जी, मैं आपके पास आऊंगा। बहरहाल विकास जी आपके पास आ रहा हूं, आज बहुत लंबे चौड़े आरोप कांग्रेस की तरफ से लगे हैं, क्या आधार है? सिर्फ 3 करोड़ का उन्होंने कुछ ब्यौरा दिया है कि 3 करोड़ जमा हो गए, इतने आरोप जो लगाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के, महाघोटाला ये कैसे हो गया? समस्या तो है उस पर तो हम लगातार रोजी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दिन प्रतिदिन आरोप बदलती है, ये महाघोटाला कैसे है? अतुल जी ऐसा है जैसे हमारे बीजेपी की प्रवक्ता राजीव जी कह रहे थे कि सिर्फ 50 दिन लाइन में लगे रहो, इसमें इन्होंने दूसरी बात नहीं की। बात यह है गरीब आदमी 50 दिन लाइन में लगा रहे, अमीर आदमी 50% दे दे सिर्फ, ये फर्क है ना। गरीब आदमी तो रहे 50 दिन लाइन में, अमीर आदमी दे 50% और वो फ्री है। आप देखिए जो जंग चली थी ब्लैक मनी की, इन्होंने कही थी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया था, उन्होंने 3 मुद्दे बोले थे इसके लिए। इन्होंने कहा था आतंकवाद के खिलाफ जंग है ये, ठीक है, काले धन के खिलाफ जंग है ये, और उन्होंने कहा था कि ये जो जाली करेंसी चल रही है इसके खिलाफ जंग है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा,
आतंकवाद पे कोई लगाम नहीं, बढ़ रहा है, पहली जंग उनकी वहीं पर ही आप देखिए डगमग आ गई है। दूसरी उन्होंने की ब्लैक मनी की, ब्लैक को तो सफेद करने लगे, 45% तो पहले कर रहे थे, ऐलान किया था 5% आगे 50% पे आ गए, ठीक है जी। तीसरी बात जाली करेंसी की, जाली करेंसी के भी पंजाब में आपने देखी पकड़े गए हैं, बीटेक के वो छात्र उनके पास पाई गई। उसके अलावा आप देखिए ये जो मनी है, ये कहते हैं कि मनी आम आदमी को मिल नहीं रहा, 4,27,00,000 रुपए बेंगलोर के इंजीनियर के पास पाए गए। आप बताइए कहां रुकथाम हो रही है, यानी मंशा जो थी वो तो सवालों में वैसे ही है, तीनों आगे उसके बाद चीजें उसके बाद मैं आपको आगे लेने जाऊंगा। अब इन्होंने देखा कि भाई ये तीनों चीजें तो फेल हो रही हैं, पब्लिक अब जवाब मांगेगी, इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया कैशलेस इकोनॉमी में। भाई मुद्दे से तो ध्यान हटाने का, स्मार्टली स्मार्टली मूव कर गए कि हमारी ये मंशा थी, बीजेपी वाले स्मार्ट मूव, मैं क्या कहता हूं ये हार्ड वर्क नहीं करते, ये स्मार्ट वर्क करते हैं। जैसे पिछली योजना इनके लिए स्मार्ट वर्क किया फेल हो गई, इसी तरह इन्होंने कैशलेस इकोनॉमी लगे। असल में बात क्या थी, इनको उम्मीद थी कि 14,00,000 करोड़ रुपया जो ब्लैक मनी के तौर पर इन्होंने किया था कि 14,00,000 करोड़ रुपया आएगा बैंकों में, आएगा नहीं, आएगा 5-7 करोड़ रुपए आएगा, 1,00,000 करोड़ रुपए, बाकी कह देंगे देखो ब्लैक मनी पकड़ी। लेकिन ताजा आंकड़ों के अनुसार 11,00,000 करोड़ रुपए बैंकों में आ चुका है और अभी 30 दिसंबर में 29 दिन बाकी है। ये कहां पढ़ा आपने, सोशल साइट पे? सोशल साइट में नहीं पढ़ा, मैंने भी पढ़ा था वहीं पर। 28 नवंबर के बैंकों से इनकी वो निकली थी, उसमें आया हुआ सर, अखबार में आया हुआ। चलिए तो इसका जवाब लेकिन आपको देंगे, ठीक है अरविंद जी। अरविंद जी आपको सर मुझे बोलने दीजिए, अब बच गया 3,00,000 करोड़ रुपया। अब इन्हें बताया 3,00,000 करोड़ रुपए तो आ सकता है, इसलिए अब ये बात को घुमा रहे हैं, देश को खून मांगो, आजादी दो, ये दो, वो दो, इन सब बातों में यानी अपने 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 में ही उलझ गए, उलझ गए क्योंकि तीनों मुद्दे इनके फेल हो गए, देश को उलझाया फिर अपने खुद ही उलझ गए। बताइए अरविंद जी आप बोलिए। पहले तो मैं एक जानकारी ठीक कराना चाहूंगा, मेरे जो साथी प्रवक्ता ने कहा था कि हम पैसों को एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से भेज रहे हैं, ये वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके जानकारी दी थी, जिसे थोड़ी देर के बाद उन्होंने खुद उस ट्वीट को डिलीट करके ये कहा कि एयरवेज से हम भेज रहे हैं, एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से नहीं भेज रहे। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि सरकार का मुख्य मकसद यह था कि जो भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़ा जा सके, काला धन सरकार के पास आ सके। अब जो संशोधित बिल लाया गया है जो लोकसभा में पास हुआ है, उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि जो जिन लोगों का पैसा आप ब्लैक से व्हाइट करेंगे उनकी जानकारी मांगी जाए कि ये साहब ये पैसा आया कहां से। देश ये भी तो जानना चाहेगा कि उन लोगों ने पैसा कमाया कहां से। आप सीधा उस पैसे को चेंज कर देंगे व्हाइट में, ये तो पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग इन लोगों ने पैसा कैसे लाया गया, ना उनको कोई सजा होगी इसमें। तो साहब सरकार की जो मंशा थी, आप जिस उद्देश्य को लेकर चले थे, आपने जब ये घोषणा करी थी, आज उससे आप खुद ही पलट रहे। एक और आपको यही करना था तो वो करने क्या जरूरत। हाँ बिल्कुल, मैं उसी बात पर हूँ कि आपने एक और ये कहा कि हम नोटबंदी करके इस काले धन को खत्म कर देंगे, हम भ्रष्टाचार को कम करेंगे। दूसरा आप खुद ये 50-50 की स्कीम क्यों चलाई फिर, अगर वो फुल प्रूफ प्लान था आपका तो फिर इसकी क्या जरूरत थी। आप पकड़िए उन लोगों को, आप उन्हें जेलों के अंदर बंद कीजिए, आप उस काले धन को पकड़िए। इसका मतलब आपने खुद मान लिया कि आपका वो प्लान कहीं ना कहीं कमजोर है, कहीं ना कहीं उसमें लूप पॉइंट्स हैं जिनसे बच सकते हैं। फिर आपने फिर ये प्लान दूसरा 50-50 लाया, इस सब में हुआ क्या? इस सब में जो सबसे पीड़ित आज जो नजर आ रहा है, आपने कहीं भी एक भी काला धन रखने वाले को जेल के अंदर बंद देखा, या किसी काला धन रखने वाले के घर पे छापा पड़ता देखा? नहीं देखा। सबसे ज्यादा जो परेशान है वो आदमी है जो ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाता है, वही लोग आज लाइन में लगे हुए हैं, और बेईमान और करप्ट जो लोग हैं वो आराम से घर बैठे हुए निश्चिंत होकर, क्योंकि उन्हें पता है साहब फ्री का पैसा था, 50% भी मिल जाएगा तो क्या बुरा है, कौन सा हमारे घर से। बताइए जेटली साहब इसका संक्षेप में जवाब दीजिए, फिर फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ूंगा, वक्त कम है। मुझे ये नहीं पता कि हमारे साथी ने प्रश्न उठाया या उत्तर दे दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि वो लोग जिनके पास सच्चाई में काला धन है उन्हें सजा कब मिलेगी। उसे सजा देने के लिए एक पैरेलल सिस्टम है, जिस सिस्टम के तहत मुकदमा दर्ज होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, चाहे वो आय से अधिक संपत्ति का हो या किसी और बात का हो, तो सजा का इंतजार कीजिए, जल्दी मिलेगी। अब बात यहां पर ये आती है कि एक व्हाइट पैसा जिसे कहते हैं ब्लैक से व्हाइट करना, ब्लैक से व्हाइट करने के लिए एक छूट माननीय प्रधानमंत्री जी पहले भी दे चुके थे। अभी नेहरा साहब ने सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, नेहरा सुन लीजिए नेहरा साहब ने भी एक बात उठाई। नेहरा साहब ने कहा 50%। नेहरा साहब ने यह नहीं बताया कि 25% उन्हें कब मिलेगा, उसे सरकार किस काम के लिए यूज करेगी, गरीब कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जो कोष बनाया गया वो उसमें यूज होगा, वो भी चर्चा का एक विषय बनना चाहिए था कि कोई भी अगर व्यक्ति अपना पैसा दे रहा है, तो उसका पैसा उसको 50% मिल रहा है और 50% सरकारी कोष में उसका यूज हो रहा है, सरकारी कोष में यूज हो रहा है। और रही बात जो कहते हैं कि जल्दी किया जाए, जिनके पास सच्चाई में ब्लैक मनी पड़ी है उन पर अटैक किया जाए, मैं बिल्कुल साफ बताना चाहता हूं
लाइनों में बहुत सारे लोग नहीं लगे हैं। हो सकता है कि मेरे जितने हम पैनल में बैठे इनमें से भी कोई लाइनों में ना लगाओ, हो सकता है इनका जो नेतृत्व है वो भी लाइनों में ना लगाओ, तो क्या वो सभी लोग बेईमान हो गए, करप्ट हो गए? अगर ये कह रहे हैं जो लाइनों में नहीं लगे घर पर बैठे हैं वो सभी करप्ट है, तो इनके नेतृत्व भी घर पर बैठा है, मुझे किसी लाइन में लगा हुआ नजर नहीं आया। मुद्दा ये है, मुद्दा ये है, मैं वही कह रहा हूँ चर्चा ऑथेंटिक मुद्दा ये है, मैं कह रहा हूँ तोल कर बोले कह रहा हूँ हमारे पे क्यों, वही कह रहा हूँ मुद्दा ये है कि जिसको भी करेंसी चेंज करवानी, सुन तो लीजिए, जिसको भी करेंसी चेंज करवानी है या अपना पैसा सरकारी कोष में डालना है ताकि गरीबों के लिए उसका यूज हो सके, उसके लिए स्कीम है, हम तो कहते हैं लेके आइए। विकास जी, एक करके वक्त नहीं है भ्रष्टाचार से कमाया, विकास जी बोले ऐसा है, राजीव जी ने जैसे कहा बहुत अच्छी बातें करते हैं ये मन को मोहने वाली प्रधानमंत्री जी की तर्ज पे, मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा, जब सारा देश आपके साथ है, आप मान रहे हैं कि लाइन में खड़ा हुआ आदमी कह रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम दुख सहन कर लेंगे, तो ऐसी क्या आवश्यकता आ गई, आप उस पर भी तो बताइए कि 50% क्यों किया। आवश्यकता ये आ गई जो इनके नीचे के लोग हैं, जो इनके सरकारी तंत्र है, वो ही घालमेल करने लग गया 30 पैसे पे 25 पैसे पे 35 पैसे पे, जिस कारण सरकार को लगा कि हमारी नीतियां फेल हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा ये तो उल्टा मामला बढ़ रहा है, भ्रष्टाचारियों का तो सारा काम हो रहा है, तब उन्होंने थक हार करके अपनी पॉलिसी से स्टेप बैक करते हुए 50% पाए। आप उसको बताइए, असली बात वो है, तारीफ करूंगा विकास जी की, तारीफ करूंगा, मुझे प्रधानमंत्री जी की तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, इनका अगर दोबारा से वर्जन सुनेंगे तो ये अपने आप ही तारीफ कर गए। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं, जो भी लूप होल है उनको बैलेंस कर रहे हैं या फिर नई नई स्कीम ले आ रहे हैं, ठीक है, लानी भी चाहिए, अधिकार है उनका। एक प्रतिक्रिया यहां पर सुन लेते हैं, उसके बाद फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ेंगे, वक्त हमारे पास कम है। बार बार बात हो रही है कि देश साथ में है कि नहीं, और हमने चर्चा की शुरुआत दो तस्वीरों के साथ की थी, वो तस्वीर तो हमने देख ली थी कि एक व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और कतार बद्ध, लेकिन उस व्यक्ति ने बोला क्या ये भी सुनिए। 12 बजे में लाइन में खड़ा थे, करीब 12 बजे से लगा के 2 बजे तक लाइन में खड़ा रहे, और बाद में जब ही जाएं तो नंबर साइड से आदमी को घुसा दें और मैं हम लोग लाइन में खड़े रहे। पैसा क्यों चाहते थे आप? मैं, हमारी पत्नी मर गई थी, और बाद इसमें पत्नी मरने के बाद इसमें मेरे पास पैसे नहीं थे, मात्र 5301 रुपया हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के राजेंद्र पांडे के नाम से खाता में जमा थे, वो पैसे से निकाल कर करके अपने पत्नी को शमशान घाट ले आके दाह संस्कार करना चाहते थे। तो क्या मानते हैं जो नोटबंदी कर रखे मोदी ने, उसको कैसे मानते, इतनी प्रॉब्लम आई आपको? इसलिए कि भाई बैंक के कर्मचारी अगर ठीक रहते तो ये हमारे प्रोग्राम नहीं आता, या किसी भाई का जनता को शिकायत नहीं होता। तो नोटबंदी से कोई समस्या नहीं है जी? नहीं, मोदी जी जो काम कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, कल जो हम सभी गरीब लोगों को, जनता लोगों को अच्छे फायदा होगा, अच्छे उनकी काम होंगे। दो अहम बातें इसमें आप अगर सुनेंगे और समझेंगे तो दो अहम बातें हैं। जेटली साहब ज्यादा खुश मत होइए। नहीं, मैं खुश नहीं हो रहा, मैं दुखी हो रहा हूं। उन्होंने मोदी साहब की तारीफ की है, अच्छी बात है, मैंने इसीलिए दोनों चीजें सुनाई, लेकिन एक अहम बात उन्होंने और भी कही है कि मैं वहां खड़ा था, साइड से लोगों को घुसा दिया जा रहा था, बैंक कर्मी अगर अच्छे से काम करो, मैं कहूंगा कि सभी बैंक कर्मी नहीं लेकिन कुछ जगहों पर गड़बड़ी है। अब फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। चंद्रभूषण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका फाइनल कमेंट। आपका कहना है कि स्थिति बहुत सामान्य अभी है भी नहीं और आने वाले दिनों में होगी भी नहीं, जो अभी इस वक्त हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, नोटबंदी का फैसला जो है, जिसको लेना था उसने तो ले लिया, सुझाव के तौर पर आप क्या दे सकते हैं एक आर्थिक विषय के तौर पर, कि आगे आने वाले वक्त में कैश की किल्लत के बीच में क्या करना चाहिए सरकार को, या किस तरीके से तालमेल राज्य सरकारों को बिठाना चाहिए, कम से कम आम जनता जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं, उनको कतार में लगने के बाद पैसा तो मिले, परेशानी ना मिले। देखिए, अभी धीरे धीरे पहले से सिचुएशन काफी कंट्रोल है, बैंकों में उतनी लंबी लाइन नहीं है जितनी पहले होती थी, पर यह है कि जैसे अब एक दो दिन सैलरी के जैसे हुआ है तो उससे शायद लाइन बढ़ेगी, पर उसके लिए जो शुरू से हम कहते आ रहे थे कि भाई एटीएम के लिए सरकार को चाहिए था कि तैयारी पहले से करके रखे, वो अभी तक भी नहीं है, अभी भी एटीएम में वही 100 रुपए के नोट निकल रहे हैं, अभी भी आज तक वो जो है कैलिवर नहीं हो पाए हैं, पर अगर सरकार चाहे एटीएम को तो एटीएम से ये काफी कंट्रोल हो सकता है, और एटीएम में अभी भी पूरे एटीएम में कैश नहीं होता, अल्टरनेट कोई पूरी रोड पे एक ही एटीएम चल रहा होता है, पूरे शहर में 8 या 10 एटीएम चल रहे हैं, तो ये सिचुएशन अभी भी सरकार को चाहिए कि इसको सुधारे, और साथ ही साथ में जहां पे ये लूपहोल आते जा रहे हैं जो सरकार इनको भी कंट्रोल करे,
कि जहाँ से ये पैसा जो है अभी भी ब्लैक कन्वर्ट हो रहा है दोबारा से, उन चीजों को भी कंट्रोल करे। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो ये ठीक है। ये सुझाव है, और ऐसे सुझाव नहीं है जिनको सरकार समझती नहीं है, जानती नहीं है, लेकिन फिर भी बात हो नहीं पा रही है। मैं चाहूंगा आप दूसरे मेहमानों के पास जाऊं। विकास जी बताइए, आपने वो प्रतिक्रिया सुन ली, उस व्यक्ति ने दो अहम बातें कही। उसका कहना है कि समस्या तो है लेकिन फिर भी फैसले के साथ हूं। कांग्रेस कहती है कि नहीं, जनता बिल्कुल विरोध कर रही है, कैसे कर रही है। दूसरी बात, उसने एक अहम बात बताई है जिसमें आप लोग को सहयोग करना चाहिए कि हाँ, कहीं अगर बैंकर भी गड़बड़ी कर रहे हैं और कांग्रेस को भी अगर पता चल जाए तो उसकी जानकारी सरकार तक पहुंचाए, और सरकार को सबसे पहले करना चाहिए। सिर्फ राजनीति करने के लिए आरोप है या वाकई आप लोग जनभावना समझ रहे हैं? देखिए अतुल जी, हमारी पार्टी ने इसका फैसले का स्वागत किया। भ्रष्टाचार के बात की इन्होंने, काले धन की बात की, हमारी सरकार इनके, हमारी पार्टी इनके साथ थी, हमने मना नहीं किया। हम विपक्ष में हैं, विपक्ष का काम है जनता की आवाज को उठाना। अगर हम आवाज नहीं उठाते तो जो इन्होंने चेंजेस लाए हैं, जो ये बदलाव ला रहे हैं आम आदमी के लिए पेट्रोल, कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस की वजह से, विपक्ष की वजह से आई है। अभी तो आप कह रहे थे यू टर्न कर रहे हैं, ये यू टर्न तो बाद, एक मेरी बात सुनिए, जब हम इस मुद्दे को आपके टीवी पे भी आज उठा रहे हैं कि इन्होंने ये करा, तभी तो ये बचाव में कह रहे हैं कि नहीं जी रुक जाइए। आप ये बताइए मुझे, अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा प्रजातांत्रिक प्रणाली में तो ये कैसे मानेंगे? ये तो तानाशाही रवैया तो अपना ही रहता है। इन्होंने तो एकदम कह दिया सब बंद है, सब कुछ। आप ये बताइए, अभी कल इन्होंने एक गोल्ड की घोषणा करी, 94 से वो रूल लागू है, ऐसा नहीं कि कोई आज लागू किया इन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ पैनिक फैलाया है। ये सरकार करना क्या चाहती है? ये सोच रही है कि किसी तरह हम पे टैक्स आ जाए फालतू, हम अपने आंकड़ों में दिखा दे कि देखो हम ये टैक्स ले आए। अरे पैनिक फैलाने से कभी टैक्स नहीं आता। ये माताओं बहनों पे शुरू से इतनी लिमिट थी, क्या जो इस चीज को नहीं को लाने की, आप इससे लगाइए कि जो सरकार की नीति है, नहीं पता था उनको फिर बताना था शायद, ये तर्क हो सकता है, ये तर्क तो भूल गए थे लोग, शायद भूल जाते हैं ना, भूल ऐसा है, भूले बुलाए तो कोई बात नहीं, सब भूले रहते हैं। लेकिन आम आदमी पे, औरत के पास आधा किलो किसके पास है, जहां पर हमारा देश में इतने गरीब लोग हैं जो बेचारे 2-2 हजार के लाइन में खड़े हैं, जो अपने शमशान घाट में क्रिया नहीं कर सकते पैसों के लिए, वो क्या आधा किलो सोना लिए बैठे हैं? ऐसे ऐसे अपनी घोषणाएं किस लिए कर रहे हैं? इनका मकसद सिर्फ एक है, ये दिखाना यूपी में चुनाव आ रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम काले धन के खिलाफ हैं। ये सोच रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत मामला गड़बड़ाने लगा, धीरे धीरे लोग विरोध करने लग रहे हैं, ठीक है अभी आम आदमी विरोध नहीं कर रहा, लेकिन हमें सोचने पे मजबूर हो गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम 25 दिनों के लाइन में खड़े हैं, इन्होंने 50 दिन वालों को, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, पहली बात तो सरकार की, जब 50 दिन के लिए सब तैयार थे, इन पे सारी तैयारी थी, तो क्या जरूरत थी इन्हें फैसला करने की कि 50% पे आ जाओ, जब आपने बोल सैप ले लिया था, जब आपने कह दिया था, तो इसमें आगे करते ना आप, कह रही हो क्या जरूरत थी आपको? इसका मतलब इनकी कहीं ना कहीं कमियां रही है, कमियां मानते नहीं है, जो ये मानते नहीं है, ठीक है, आजादी, ये बात है, ठीक है। अरविंद जी, फाइनल कमेंट आपका। अतुल जी, जिस पीड़ित व्यक्ति की आवाज आप सुना रहे थे, मुझे नहीं लगता भाजपा वालों के कान तक वो आवाज पहुंचती होगी, क्योंकि उनके तो चार ओर सत्ता की एक ऐसी मोटी दीवार है कि उन्हें उसकी पीड़ा नहीं समझ में। शुक्र है आपने उसका वो क्लिप दिखा दी, वीडियो क्लिप, अगर उसकी बात हमने कही होती तो शायद वो ये कहते कि ये भी इनसे ही मिला होगा, ये भी देशद्रोही है, ये भी विरोधी है, इसलिए ये सब कह रहा है। पर एक बात आज सोचने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से फैसला लिया है और आम आदमी को जो दिक्कत हुई है, कहीं ना कहीं सरकार को कोई भी ऐसा निर्णय जिससे पब्लिक को परेशानी हो रही हो, उसमें कोई ना कोई सुझाव, कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे लोगों की तकलीफें कुछ कम हो। परंतु आज 15-20 दिन जो हो चुके हैं इसको, उसके बावजूद भी कहीं सरकार ने कोई ऐसा एक नया प्रयास किया हो कि साहब नहीं, पब्लिक की परेशानी है तो हम ये सुविधा दे देते हैं, नहीं, बल्कि इन्होंने क्या किया, जो 15 तारीख तक की जो टोल टैक्स की और पेट्रोल पंप की छूट थी उसे भी कम कर दिया। तो मतलब इन्होंने तो लोगों की जो तकलीफ परेशानी है उसे बढ़ाने का काम किया बजाय कम करने का। ठीक है सर, अब वक्त नहीं मेरे पास, नीरज साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद जेटली साहब आपके पास आऊंगा। नीरज साहब, बहुत संक्षेप में सर बता दीजिए कि दरअसल जो हमने प्रतिक्रिया अभी सुनी, व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हुई, अंतिम संस्कार में भी शरीक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कह रहा है फैसला अच्छा है, आम जनता क्या अभी भ्रमित है, समझ नहीं पा रही है? धीरे धीरे जैसा विकास जी कह रहे हैं कि उसका नजरिया बदलेगा, और दूसरा ये कि जो कल का दिन होगा, क्या हम इस पर चर्चा करेंगे कि हाँ टोल पर आज जाम लग गया या व्यवस्था खराब हो गई क्योंकि व्हीकल बंद होने वाले हैं? देखिए तो मैं ये कहूंगा कि ये एक अफीम की तरह है, जो अभी बात कही गई कि 25% गरीब जो आएगा काले धन का, जो ये 50% वाला मामला है, वो 25% उस पैसे से गरीब कल्याण कोष बनेगा, तो लोग बाग एक नशे में है कि हाँ 25% आएगा तुम्हारे लिए लगेगा वो। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये है, सरकार को अगर इतनी चिंता है गरीबों की, तो 25 की बजाय वो 50% क्यों नहीं, अगर ये मौका ही ना दे
बदलने का, काले धन को अगर नष्ट करने की मंशा साफ है सरकार की, तो ये योजना लाई ही क्यों है? वो वैसे ही खत्म हो जाता, वो सरकार के कोष में जो 3-4 लाख करोड़ जो है वो अपने आप आ जाते। उसमें ये होता कि 50% का आप गरीब कल्याण कोष बनाइए और जो बाकी 50% बचे हुए हैं वो उन ईमानदार समय पर टैक्स अदा करने वाले अमीर लोगों के लिए भी काम में लेके आइए सरकार से, अनुरोध होता मेरा। तो हमें एक अच्छी बात लगती, लेकिन क्या है कि अब 50% तो आप ले जाइए, आप चोर हैं, आप हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं और उसका 25% हम गरीबों को देंगे, गरीब भी खुश हो गए और वो बेईमान भी खुश हो गए। तो ये इस तरह की चीजें हैं, ये तो हमेशा से होती आई, पिछली बार जो देखी है हमने सरकारें उनमें भी ऐसा होता है, तो इसमें नया क्या है? नया क्या है? ठीक है सर, मैं रोकूंगा नेहरा साहब, माफी चाहूंगा सर, वक्त नहीं मेरे पास। जेटली साहब, एक मिनट में फाइनल कमेंट कर दीजिए आप। नहीं, नेहरा साहब की बात से मुझे वो बात याद आ गई कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने 40% के ऊपर बदलाव की बात करी थी तो तब लोग नहीं आए थे, लेकिन देखिए गंगा जी को भी देखने को मिले, कूड़ेदान को भी देखने को मिले, जिन्होंने नोट कभी देखे नहीं थे उन्होंने भी नोट देख लिए और कहां कहां पे सड़कों पे गिरे हुए मिल रहे हैं, वो अलग सब्जेक्ट है। अब बात यहां पर ये आती है कि हम तो एक ही आग्रह करेंगे और मैं इस प्रदेश की और देश की जनता को सर झुकाकर प्रणाम करना चाहता हूं कि उसे कितना कितनी तकलीफ दी जा रही, जितनी तकलीफ उसे अपने आप को होगी उससे ज्यादा तकलीफ देने वाले लोग वहां लाइनों के बाहर खड़े हो जाते हैं, यहां पर चर्चा करते हैं, नारे लगाते हैं, उसके बावजूद भी वो जनता माननीय प्रधानमंत्री के साथ है। हम झुक के प्रणाम करते हैं और ये देश बदल कर दिखाएंगे। मात्र देखिए, आप प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, एक एक पाई पाई जो लोगों के घरों की दीवारों में पड़े थे, बेडरूम में पड़े थे, जो लोगों के तहखाने में पड़े थे, वो देश की जनता के लिए काम आएगी और वो देश की जनता के लिए काम आएगी और वो किसी को नहीं मिलने वाली है। अब कोई राजनीतिक दल, कोई राजनेता, कोई ब्यूरोक्रेट अब अपनी दीवारों के अंदर पैसा छुपा कर नहीं रख पाएगा, वो देश की जनता देश के खजाने में जाएगी। हरियाणा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन के ऊपर करोड़ों के घोटाले का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया, वो तो आपका है, करने शुरू कर दिए घोटाले, आपका मुद्दा है, वो पीएमओ ने उसमें दखल दिया था तब हुआ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया राजीव जेटली साहब, विकास चौधरी साहब, अरविंद भारद्वाज साहब, अमरा साहब और चंद्रभूषण अरोड़ा साहब, आपका कुल मिलाकर समस्या तो है। और देखिए सबसे अहम बात कि उस बुजुर्ग व्यक्ति को चाहे जो जैसे समझे वैसे समझे, मेरे तो समझ में आया कि या तो भ्रम में या नशे में जैसा नेहरा साहब कह रहे थे, और या फिर वो वाकई विश्वास करता है। अब विश्वास अगर टूटेगा तो भुगतना इनको पड़ेगा, लेकिन अगर विश्वास कर रहा है और उस बीच में तकलीफ सह रहा है तो तकलीफ बढ़े ना, इसके लिए काम करना तेजी से पड़ेगा, क्योंकि नजरिया बदलना शुरू हो चुका है और कष्ट अगर बढ़ेगा तो जनता फिर सबक सिखाती है। नमस्कार।